हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के पोएट्री में, इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन में। बच्चों, आज हम इसके चैप्टर नंबर 2, जो कि हमने आप लोगों को इसके बारे में हमने पढ़ाया था, इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 2 की सेंट्रल आइडिया आप लोग को पढ़ा दिए। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। जितने भी पैसेज दिए गए हैं सभी के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, एक चीज़ मैं बता दूँ, इस वीडियो में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग को एक चीज़ अच्छी तरह से पता होगा कि क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में 2 ही तरह के पोएट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सेंट्रल आइडिया का, दूसरा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आपके पैसेज से होंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए मैं यही 2 चीज़ें आप लोग को पोएट्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसका एक सेंट्रल आइडिया हो चुका है और इस समय मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखते हैं पहला आप लोग का क्या है। बच्चों, पहला पैसेज है जो एंड स्लोली एंड आर्थर फ्रॉम द बार्ज द ओल्ड आर्डर चेंज द एल्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए वर्ड मीनिंग्स लेके आता हूँ जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होती हैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है। उसके बाद जो मैं अनुवाद लेके आता हूँ इसका, हिंदी में भी लेके आता हूँ। इसका अनुवाद कहाँ लेके आता हूँ बच्चों? हिंदी में भी मैं इसका अनुवाद करके लाता हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत, स्पेशली मैं हिंदी में अनुवाद करके लाता हूँ आप सबके लिए, ताकि आप लोग को कोई स्पेशली दिक्कत ना हो सके। तो आइए देखते हैं आप लोग का जो है अनुवाद है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है जो अनुवाद है आप लोग का, कि यहाँ पर देखिए जो राजा है, राजा आर्थर, ठीक है, जब राजा आर्थर था वो मरने वाला था, तब उसने अपने एक सरदार, जो अकेला ही व्यक्ति था, वो क्या था, जो क्या था, वो सरदार जो था वो अकेला ही व्यक्ति था जो लड़ाई में बच गया था। वो सरदार क्या हुआ था बच्चों, लड़ाई में बच गया था, को संतावना दी उन्होंने, उसको क्या की, संतावना दी। राजा ने अपनी नाव में से धीमे स्वर में कहा एंड स्लोली, ठीक है, धीमे स्वर में कहा, पुरानी प्रणाली बदल दी जाती है और नई को स्थान दी जाती है। क्या किया जाता है, पुरानी प्रणाली बदल दी जाती है, द ओल्ड आर्डर चेंज द इल्डिंग प्लेस टू न्यू, उसके स्थान पर नए को स्थान दी जाती है। भगवान अपनी इच्छा को कई प्रकार से पूरा कर लेता है, गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ मेनी वेज, कई तरीके से, कई रास्ते से उसे पूरा कर लेता है। सभी परिवर्तन भगवान की इच्छा से होती हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं बच्चों, ठीक है, लिस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, ये किसके वजह से होते हैं, भगवान की इच्छा से ही होते हैं। परिवर्तन इसलिए आवश्यक है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा अधिक समय तक चलकर पूरे संसार को ही बिगाड़ दे, ठीक है। वो क्या होगा, अगर कोई भी परंपरा ज़्यादा समय तक चलती है तो वो पूरे संसार को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो बच्चों, ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। तो रेफरेंस आप लोग को पता है कि ये कई तरीके से लिखा जाता है, हमें चैप्टर का नाम याद होना चाहिए और लेखक का नाम। तो दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, लेसन का नाम क्या बच्चा, द पासिंग ऑफ आर्थर, कंपोज बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, किसके द्वारा लिखे थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। हर जगह पे यहाँ पे नोट पॉइंट में जो आप लोग का लिखा गया, हर जगह आपका जितने भी पैसेज होंगे यही रेफरेंस आपका कार्य करेगा। कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए, द वाउंडेड किंग आर्थर इज गोइंग ऑन हिज मिस्टेरियस जर्नी, ही बिड्स गुड बाय टू हिज फेवरेट नाइट बेडिवर, यानी बच्चों यहाँ पे ही इज वेरी वीक, सो ही स्पीक्स इन ए वेरी लो वॉयस, ही कंसोल्स हिम saying that he should not be sad on the ending of the age of chivalry. So बच्चों, ये था आप लोग का क्या कॉन्टेक्स्ट था। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ी सी पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस ओपनिंग स्टेंजा द किंग आर्थर स्पीक टू बेडिवेर इन ए लो वॉयस, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, जो ये प्रथम पद्यांश इसमें राजा आर्थर हैं बेडिवर से धीमी आवाज में बोलते हैं, किससे बोलते हैं बच्चों, बेडीवर से धीमी आवाज में बोलता है। प्रकृति जो परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है, ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का क्या है बच्चों, नियम है, वन थिंग डज नॉट रिमेन द सेम एट ऑल टाइम्स, द ओल्ड सिस्टम्स चेंज एंड न्यू सिस्टम्स टेक दियर प्लेस।
बताया जा रहा है कि पुरानी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं और नई व्यवस्थाएं उनका स्थान ले लेती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, उनका स्थान ले लेती हैं। गॉड आल्सो चेंज हिज वेज इन फुलफिलिंग हिज पर्पज, बताया जा रहा है भगवान भी अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए अपने ढंग को बदल लेता है, ठीक है, क्या करता है, जो उनका तरीका होता है उनको बदल लेता है, कौन बदल लेता है, भगवान बदल लेते हैं, ठीक है। सो बच्चों, इवन ए गुड सिस्टम में बी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन इफ ए चेंज इज नॉट ब्रॉट इन इट इन ड्यू कोर्स, बताया जा रहा है बच्चों कि वो क्या होता है कि भगवान भी अपने स्थिति को बदल लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि आगे चलकर भी किसी व्यवस्था भी हानिकारक हो सकती है, ठीक है, क्या होती है, आगे चलकर अगर एक अच्छी व्यवस्था है वो भी हानिकारक हो सकती है यदि समय रहते इसमें परिवर्तन न लाया जाए, ठीक है, क्या हो बच्चों, समय रहते इसमें परिवर्तन न लाया जाए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, वन गुड सिस्टम इफ इट कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम मे स्पॉइल द होल वर्ल्ड, यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि यदि एक अच्छी व्यवस्था काफ़ी समय तक चलने दिया जाए तो यह पूरे संसार को खराब कर सकती है। आई थिंक आप सब समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पैसेज पर चलेंगे। नेक्स्ट पैसेज आप लोग का क्या है बच्चों, कम्फर्ट दाई सेल्फ, वाट कम्फर्ट इज इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, बट दो इफ दो सोल्डस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल, मोर थिंग्स आर wrought by prayer then this world dreams of, wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। जो राजा आर्थर थे बेडिवर को समझाता है कि जिस प्रकार मैंने स्वयं को सांत्वना दी है उसी प्रकार तुम भी स्वयं को सांत्वना देना, मुझे तो अपने जीवन में जो कुछ करना था कर लिया और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैंने किया है भगवान उसे अपनी शक्ति से दोष मुक्त कर दे। राजा पुनः कहता है कि यदि मैं जीवित न रह सके यदि मैं जीवित न रह सकूँ तो तुम मुझे न देख सको तब तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, बहुत से कार्य प्रार्थना के द्वारा संभव हो जाते हैं, प्रार्थना में इतनी शक्ति होती कि जो संसारिक मनुष्य होते हैं बच्चों उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए राजा अपने सूरवीर को उपदेश देता है कि वह दिन रात उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता रहे, जिस प्रकार से एक फवारा लगातार ऊपर की ओर चलता रहता है। अब इसकी कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बच्चों, किंग आर्थर वाज फेटली वाउंडेड इन ए बैटल, ही आस्क्ड हिज नाइट सर बेडिवर टू पुट हिम इन द बोट, व्हेन द बोट बिगेन टू सेल सर बेडिवर वाज सेड किंग आर्थर इज कंसोलिंग द नाइट। सो बच्चों अब एक्सप्लेनेशन की बात है, किंग आर्थर आस्क द नाइट टू फील कंफर्टेबल फ्रॉम हिज साइड एज हिज लाइफ इज ऑलमोस्ट ओवर, ही हैज परफॉर्म्ड ड्यूटीज ऑफ हिज लाइफ, ही होप्स एंड प्रेज दैट गॉड मे एक्सेप्ट हिज वर्क बाई प्यूरिफाइंग इट ऑफ ऑल इट्स अनवर्दीनेस, देन ही आस्क द नाइट टू प्रे फॉर द पीस, इफ दिस सॉल डज नॉट फाइंड हिम अलाइव इन द वर्ल्ड, किंग आर्थर पॉइंट्स आउट दैट मोर थिंग्स आर डन बाई प्रेयर देन पीपल थिंक ऑफ, sometimes prayers do wonders and unimaginable things, therefore king arthur asked his knight to pray for him day and night, but the prayer should be spontaneous like a fountain that flows on continuously। बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राजा आर्थर थे अपने सूरवीर को कहता है कि मेरी ओर से स्वयं को सांत्वना दो क्योंकि मेरा जीवन लगभग समाप्त हो गया है, मैं अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह कर चुका हूँ, मैं आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे कार्यों को दोषमुक्त करके उन्हें स्वीकार करें, फिर वह
उसे सुरवीर से उस सुरवीर से कहता है कि यदि तुम मुझे संसार में जीवित न पाओ तब भगवान से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। राजा आर्थर बताता है कि मनुष्य के सोचने की अपेक्षा बहुत से कार्य प्रार्थना से कर लिए जाते हैं। कभी कभी प्रार्थना से आश्चर्यजनक और अकल्पनीय कार्य भी हो जाते हैं। अतः राजा आर्थर अपने सूरवीर से कहता है कि दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करना, किंतु प्रार्थना लगातार चलने वाले फवारे के समान सतत होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब इसका लास्ट पैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे है, फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शिप और गॉड्स दैट नरिश इन ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देम सेल्वेस एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज इन एवरी डे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फिट ऑफ गॉड बट नाउ फेयरवेल। सो बच्चों यहाँ पे इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग जो आपको ना समझ में, आप यहाँ से देख सकते हैं। राजा अपने वफादार सरदार को समझाते हैं कि जिन मनुष्यों के पास अत्यधिक ज्ञान नहीं है और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे पशुओं के समान हैं। जो व्यक्ति भगवान को जानते हुए भी अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए उसे प्रार्थना नहीं करते वे भी पशु के समान है। यह पूरी संसार प्रेम के बंधन में भगवान से बंधा हुआ है, इसलिए भगवान की प्रार्थना अत्यंत आवश्यक एवं प्रभावकारी है। अब बच्चों यहाँ पे हम इसकी कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द वाउंडेड किंग आर्थर इज गोइंग ऑन हिज मिस्टेरियस जर्नी। ही बिड्स गुड बाय टू हिज फेवरेट नाइट बेडीवर। ही रिक्वेस्ट्स हिम टू प्रे फॉर द पीस ऑफ हिज सॉल। ही टेल्स हिम द पावर ऑफ प्रेयर दैट इवन द इम्पॉसिबल वर्क्स बिकम पॉसिबल बाय प्रेयर। सो बच्चों नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन। इन दिस स्टेंजा द पोएट टेल्स अस द पावर ऑफ प्रेयर एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड एनिमल्स। द एनिमल्स डू नॉट हैव ब्रेन, दे कैन नॉट यूज चेयर रीजनिंग पावर, दे हैव नो नॉलेज ऑफ गॉड, बट मैन नोज दैट गॉड इज, सो ही शुड प्रे टू गॉड फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फ्रेंड्स। सो द पीपल हु डू नॉट प्रे टू गॉड आर जस्ट लाइक एनिमल्स। प्रेयर इज वाट वी से ड्यू टू अफेक्शन। इट इज अफेक्शन दैट ब्लाइंड्स अस विद गॉड। सो प्रेयर इज वेरी नेसेसरी एंड इफेक्टिव। सो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पदांश में कवि प्रार्थना कर की शक्ति तथा मनुष्य और पशुओं के भेद के विषय में बताते हैं। पशुओं में मस्तिष्क नहीं होता, वे अपने तर्क शक्ति का भी प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें भगवान का भी कोई ज्ञान नहीं होता, किंतु मनुष्य जानता है कि भगवान क्या है, इसलिए उसे अपने लिए और अपने मित्रों के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना नहीं करते वे पशुओं के समान होते हैं। प्रार्थना वही होती है जो हम प्रेम के कारण करते हैं, यह वह प्रेम है जो हमें भगवान के बंधन में बांधता है, इसलिए प्रार्थना अत्यंत आवश्यक और प्रभावकारी होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर जो आप लोग का दूसरा चैप्टर था पोएट्री का, वो अच्छी तरह से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।